देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन के बीच इतिहासकार और मशहूर लेखक रामचंद्र गुहा को बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया है। वहीं स्वराज इंडिया सुप्रीमो योगेंद्र यादव को दिल्ली में हिरासत में लिया गया है। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह प्रदर्शन कर रहे थे। योगेंद्र यादव दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन कर रहे थे और रामचंद्र गुहा बेंगलुरु में। गुहा के साथ 30 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। This is totally wrong. Look at how peaceful they are. They are just ordinary citizens protesting. And how they have the police also. Yeah. Because they are being forced to do this. Exactly, exactly. I'm sorry for the police. I'm sorry because they are getting orders from Delhi. Delhi, they are, our paranoid rulers in Delhi are scared. आज 19 दिसंबर को शहादत दिवस पे जब हजारों लोग लाल किला में पहुंचे तो वहां से पुलिस ने डिटेन कर लिया। हम भी एक ऐसी बस में बैठे हैं, पुलिस कहती है हमें दिल्ली में बवाना की तरफ ले जा रही है। सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है। हम चाहते क्या? हम लाल किला से शहीद पार्क तक एक शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आज शहीदी दिवस है, क्योंकि आज वो दिन है जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। आज वो दिन है जब महात्मा गांधी ने मेवात में जाके कहा था कि ये देश हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं बटेगा, आप पाकिस्तान बन जाइए। इसलिए आज हम आज़ादी के आंदोलन के प्रतीक लाल किला से लेके शहीद पार्क तक जाके शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। साथ ही इस देश में संविधान पे जो सबसे बड़ा हमला हुआ, ये जो CAA नामक कानून बना है, नागरिकता संशोधन कानून, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। बता दें, बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है और दिल्ली में भी बिगड़ते हालातों को देखते हुए कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। बता दें, देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहा है। लेफ्ट पार्टियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शन को देखते हुए देश के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश कर्नाटक के कई हिस्सों में बड़े प्रदर्शन होने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।